नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो गई है। जिन्होंने भी इसे शुरू में बुक किया था, उन्हें गाड़ियां मिलने लगी हैं और ये रोड पर भी दिखता है। एक दिन में 2-3 स्कॉर्पियो एन तो आंखों के सामने आ ही जाती है। एसयूवी का रोड प्रेजेंस भी बहुत ही खतरनाक है। मतलब जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आपको मिलती है, उतने प्राइस में या उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो इतनी बड़ी और बेहतरीन दिखे। हालांकि बड़ी और बेहतरीन के साथ साथ इसमें दम कितना है, मतलब गाड़ी को किस हद तक मजबूत बनाया गया है, वो एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि अभी तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ एक्सीडेंट सामने आ चुके हैं जिसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और आज भी इसी गाड़ी का एक एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो महाराष्ट्र से मिस्टर सोहेल जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली अंधेरी वेस्ट में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के समय 4 लोग स्कॉर्पियो एन से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी पलटते हुए रोड को क्रॉस करके दूसरे साइड चली गई। बताया जा रहा है कि एसयूवी की स्पीड लिमिट से काफी ज्यादा थी। हालांकि हो सकता है ये किसी को बचाने के चक्कर में हुआ हो, या फिर हो सकता है सिर्फ तेज रफ्तार ही इसका मेन रीजन हो। डैमेज की बात करें तो उसका फ्रंट एक्सल टूट गया है, राइट साइड वाले शीशे टूट गए हैं, डोर में डैमेज आ गया है और रूफ पर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं। गाड़ी का दूसरा साइड विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है इस साइड भी काफी नुकसान आया है, क्योंकि इधर का रूफ वगैरह मुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आईं, वो थोड़े बहुत इंजरीज के साथ सेफली बाहर आ गए। तो भाई, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का ऐसा हाल दुखद है। डिलीवरी के बाद शायद इसका ये पहला मेजर एक्सीडेंट है और इसमें गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है। उम्मीद है इसे ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग्स मिलेंगे। हालांकि रेटिंग्स कोई भी हो, गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल में रखकर ही चलाना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि खाली रोड पर एसयूवी की टॉप स्पीड चेक हो रही थी। अब ये कितना सही है वो नहीं पता, और इसे ना ही दावे के साथ बोला जा सकता है। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा रोड लिमिट के हिसाब से ही ड्राइविंग करें और खुद को और दूसरों को सेफ रखें।